मैकेनिक भाइयों, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई हुई है TVS Apache RTR BS6। दोस्तों ये दोस्तों BS6 बाइक है, मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं। देखिए यहां पे आपका ECM लगा हुआ है, RR यूनिट लगा हुआ है और यहां पे देखिए RTR 160 है। और आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे OBD कपलर लगा हुआ, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये बाइक BS6 है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसकी वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे और सिखाएंगे भी कि आपको मैग्नेट कॉइल अगर कभी ना कभी ख़राब हो जाता है, जैसे कि पिकअप कॉइल, लाइटिंग कॉइल, तो आपको कैसे मल्टीमीटर से चेक करना है, टेस्टिंग से कैसे चेक करना है, टेस्टिंग लैंप से कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कैसे चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको पिकअप कॉइल को चेक कराते हैं कि इसमें क्या रेडिंग आना चाहिए। तो चलिए हम पिकअप कॉइल का जो ये रेड कलर का कपलर है इसे हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया, जिसको फ्लाइट मोड भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे सेट करके और कहीं अच्छी जगह इसको अटैच करते हैं। देखिए हमने इस एक जगह पे इसे अच्छी तरीके से होल्ड कर दिया और हमने फ्लाइट मोड पे इसे सेट कर दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है कि दोनों मल्टीमीटर का कपलर जो है उसमें एक एक वायर में अटैच करना है। तो इसका रीडिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, 100 देखिए दोस्तों 141 आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो पिकअप कॉइल का रेडिंग है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप PDF मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा फाइनल हो चुका है कि हमारा पिकअप कॉइल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लाइटिंग कॉइल अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे चेक करना है और क्या चीज़ से चेक करना है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा लाइटिंग कॉइल का वायर है, जो तीन वायर है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये तीन वायर है और तीनों में हमको करंट आना चाहिए। और आपको कैसे चेक करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके पास टेस्टर नहीं है, अगर टेस्टिंग लैंप है तो उससे भी आप चेक करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा बाइक जो है कि वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलिए हम इस कपलर को लगा दिए हैं जो लाइटिंग कॉइल का कपलर है, और ये टेस्टर से हम आपको चेक करेंगे। आपको टेस्टर अगर मंगवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर फैयाज़ भाई का नंबर आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, मैं फैयाज़ भाई का भी नंबर दे दूँगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए तीन वायर है और तीनों पीला का पीला वायर है दोस्तों। तो इस तीनों वायर में हमको करंट दिखना चाहिए। देखिए हम जैसे ही टेस्टर इसमें लगाएं तो यहाँ पे देखिए टेस्टर में रेड कलर का लाइट जल चुका है। तो पता ये चला कि दोस्तों इस वाले वायर में करंट आ रहा है। अगर नहीं आता है तो हमारा लाइटिंग कॉइल ख़राब है। चलिए हम दूसरा वायर में भी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा वायर का भी लाइट आ रहा है, तो पता ये चला कि इस वायर में भी सही है। चलिए अब हम तीसरा वायर में चेक करा के फाइनल आपको चेक कराते हैं कि ये सही है कि नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें लाइट आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली तीनों के तीनों वायर में करंट आ रहा है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक।